नमस्कार, आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें क्या प्लस और माइनस पॉइंट है। इनका क्वेश्चन है, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है या मुझे किस फील्ड में, अगर नहीं मिलती तो किस फील्ड में मुझे जाना चाहिए, मैरिज लाइफ कैसी है। इनका मूलांक 4 है और 4 का जो रूलिंग प्लेनेट होता है वह राहु होता है। तो राहु क्या बताता है? राहु जिंदगी में उतार चढ़ाव को बताता है। मूलांक 4 वाले को किसी की मान्यता स्वीकार नहीं होती, अपने रास्ते खुद बनाने की कोशिश करते हैं। इनके जीवन में शिक्षा में दिक्कत आती है, दिमाग होने के बावजूद भी अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते। अगर ले भी ले तो जिस शिक्षा को ये स्टडी करते हैं उसमें इनको फील्ड में जॉब या बिजनेस नहीं करते, किसी और फील्ड में इनको जॉब मिलती है। अच्छे नंबर लाते हैं, क्रिएटिव होते हैं, नए नए आइडिया दिमाग में लाते हैं और कुछ अलग करने के लिए सोचते हैं। इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है, इसके बावजूद भी कैरियर में ये उछाल इनके जरूर आता है। ऐसे लोग मीडिया में, फिल्म मीडिया में, ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में, फैक्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि आदि सारी जितनी चीज़ें होती हैं उसमें ज़्यादा ये लोग तरक्की करते हैं। ऐसे लोगों के लिए 8 अंक के लोगों के साथ इनका कंपैटिबिलिटी नहीं अच्छी होती। कोई भी चीज़ 8 अंक की मत लें, चाहे घर, कार, स्कूटर, कोई भी चीज़, यहाँ तक कि अपना पार्टनर भी अगर मूलांक 8 है तो नहीं लेना चाहिए, अच्छा फल नहीं देता। किन लोगों के साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी बैठती है? मूलांक 1, 2, 6 और 7 के साथ। ऐसे व्यक्तियों, अगर पेट की प्रॉब्लम की बीमारी इनको हमेशा रहती है, खाली पेट इन्हें कभी नहीं रहना चाहिए। रत्न की बात करूं तो नीलम या माणिक्य रत्न, जिसे रूबी बोलते हैं, ये जरूर पहनना चाहिए। पुराने रीति रिवाजों को मूलांक 4 के लोग नहीं पसंद करते। साहसी होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन अहंकारी भी होते हैं, ईगो होती है, जिंदगी में परटर्ब रहते हैं। थोड़ी सी दुविधा का सामना इन लोगों को जरूर करना पड़ता है। समाज की, विज्ञान की, टेक्नोलॉजी की, राजनीति की, सबकी जानकारी इनके पास रहती है। समझदार होते हैं, समय के बहुत पाबंद होते हैं। आईटी सेक्टर में इनकी अच्छी पकड़ होती है, इनके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा होता है। मूलांक 4 के लोगों को अपनी चीज का दिखावा करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोगों के जीवन में बहुत चुनौतियों का सामना, उलझनों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, ये लोग अच्छे इंजीनियर, पायलट, प्रोफेसर, अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, वकील बनते हैं, मैकेनिक बनते हैं, अच्छे इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों का झुकाव, अगर कहूँ तो दोस्ती में ज़्यादा इनका मतलब बहुत जल्दी से दोस्त बनाने की इनकी जो एक आदत होती है वह रहती है। सोच प्रेम विवाह की हमेशा रहती है इनकी दिलो दिमाग पर। ऐसे लोगों को कायदे कानून पसंद नहीं करते, नए परिवर्तन करने की सोच रखते हैं। ऐसे लोगों को बोलने की आदत होती है, दोस्तों को हैरान करना, सरप्राइज देना, गिफ्ट देना इनकी इनकी लाइफ में एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा देता है इनको। रहन सहन से दूसरों को ऐसा लगता है ये बहुत अमीर है। ये तो रहा देखो इनका नेचर। अब जब पहली नज़र में जब मैंने इनका जो है गुरु पर्वत देखा, किसी फीमेल का गुरु पर्वत डिस्टर्ब्ड है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये क्या करता है? केवल देखो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को ही ये खराब नहीं करता, ये जो है कुछ बीमारी भी लाता है। व्यक्ति को लीवर खराब होना, भूख बहुत ज्यादा लगना या ना लगना, भूख की कमी लगना, एसिडिटी को बढ़ाता है, थायराइड ये लेके आता है। ये बहुत उम्र के साथ आदमी का जो मोटापा होता है वह बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर गुरु डिस्टर्ब्ड है तो सर्दी में होने वाली बीमारी, कफ, ठंड, बुखार होना, ये हमेशा पकड़ेगा। व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी उसे पीलिया जरूर होता है, पानी की कमी रहती है। आदमी खाना खाते वक्त पानी जरूर पिएगा, ये गुरु डिस्टर्ब्ड होने की पहली निशानी है। भोजन पचता नहीं है,
और आदमी के सिर के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, पति पत्नी में झगड़ा रहता है, पेट में गैस रहती है, और किसी व्यक्ति के पेट में गैस हो और वो प्लानिंग कर रहे हो बच्चा बच्चा होने की, तो बहुत डिस्टर्ब, हस्बैंड के भी हो और वाइफ के भी हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती है। वो मतलब बच्चा पैदा करने में बहुत दिक्कत आती है, ये लोगों को पता ही नहीं होता, पर लेकिन एसिडिटी और पेट खराब ये प्रॉब्लम जरूर देता है। अगर व्यक्ति जो है सामाजिक जीवन में भी ये गुरु डिस्टर्ब रहेगा तो जीवन में कठिनाई लेके आएगा। गला खराब होना, गले में खराश होना, भारीपन आना, सिर दर्द होना, ये गुरु अगर डिस्टर्ब है तो जरूर देगा। कहीं ना कहीं बुजुर्ग जो होंगे आपसे वो खफा रहेंगे रहेंगे, तो ये एक है रहता है। अगर इसके अलावा अगर किसी का चंद्र इसके साथ जो है वह कमज़ोर हो जाए अगर, तो पार्किंसन की बीमारी, पैरालिसिस की बीमारी भी यहीं से निकल के आती है। तो ये सारी चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल, किडनी, बलगम, शुगर, थायराइड, ये सारी चीज़ें, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये गुरु देता है। ये तो देखो मैंने आपको बताया कि गुरु जो अगर जो है वो डिस्टर्ब हो तो क्या इम्पैक्ट देता है, क्योंकि इनके हाथ में मैंने ये चीज़ देखी, इसलिए मैंने कहा कि इनके बारे में भी बता देना चाहिए। अब जो है इनके एनालिसिस शुरू करते हैं। ये देखिए इनका जो हाथ है एक स्क्वेरिश हाथ है, व्यक्ति मेहनती होता है और व्यक्ति के पास लाइफ में पैसा जरूर होता है। अगर ये मेहनत से पैसा कमाते हैं, दूसरी इनकी बात आती है माउंट्स के ऊपर और इनका उंगलियों के नीचे का शेप, ये देखिए ये शेप परफेक्ट शेप होती है। व्यक्ति अपने जीवन में अगर कहूँ तो लगभग 35 के बाद व्यक्ति का जो है वह टाइम जो होता है वह उसके हिसाब से व्यक्ति आगे बढ़ता है और तरक्की ज़्यादा करता है। अगर ये फॉर्मेशंस रहती है, यानी उम्र का बीच का पोर्शन जो होता है उस पे से उसकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाती है। पहली कंडीशन ये होती है। दूसरा देखो इनका हमने ये देखा, देखो इनकी जो हृदय रेखा है वह एक स्ट्रेट फॉर्मेशन में चल रही है। ये फॉर्मेशंस जो होती हैं ये कहीं ना कहीं आदमी को थोड़ा सा रूखापन दिखाती हैं, थोड़ा सा रूखापन, क्योंकि देखो यहाँ फॉर्मेशन क्या बन रही है, एक ये यहाँ से लेके ये बन रही है और एक फॉर्मेशन ये बन रही है। इसका क्या होना चाहिए था, केवल ये होना चाहिए था और यहाँ से निकलना चाहिए था। तो ये इम्पैक्ट एक अलग इम्पैक्ट होता है, यानी पैसा कमाना केवल, क्योंकि हमेशा बोलता हूँ शनि पर्वत से अगर एक टुकड़ा निकला हो तो पैसा की तरफ आदमी का रुझान रहता ही रहता है। तो वो जब मैं हृदय रेखा पे आऊँगा तब बताऊँगा, अदरवाइज कनिष्ठा उंगली वो इंडिकेट कर रही है हमारी सूर्य की फर्स्ट बैलेंस तक। इट मीन्स क्या इंडिकेट करती है, व्यक्ति की याददाश्त शक्ति को करती है, आदमी की साफ सफाई को इंडिकेट करती है, व्यक्ति अपनी लाइफ में पैसों के मामले में, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट्स के मामले में मात नहीं खाता, पार्टनरशिप करे मात नहीं खाता। दूसरा इनका जो अगर मैं कहूँ फर्स्ट फैलेंज एक अलग ही आपको दिख रहा है यहाँ से, ये देख रहे हैं ये जो है यहाँ से बिल्कुल फ्लैट दिखे, ये देखिए फ्लैट सा अलग सा दिख रहा है। तो ये एक पर्सनैलिटी को डेवलप करता है कि आदमी छोटी सी बारीक से बारीक चीज़ों को अध्ययन करने की कोशिश करने की और प्रेरित करता है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। इसके अलावा अगर मैं कहूँ इनकी गुरु की उंगली बड़ी है, गुरु की उंगली बड़ी होती है तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी रहती है, आदमी को तरक्की भी कराती है। टीचिंग लाइन में अगर जाए ज़्यादा तरक्की होती है, बैंकिंग लाइन में जाए ज़्यादा तरक्की होती है, वहाँ पर इनका जो डिसिप्लिन होता है वो शो होता है, पर लेकिन एक्सपेक्टेशन बढ़ा देता है, हर्ट होते हैं, दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, गुरु वैसे ही डिस्टर्ब्ड है, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं। ठीक है। अंगूठा फर्स्ट फैलेंस नुकीला है, सेकंड फैलेंस इतना बड़ा नहीं है, यानी कोई भी बात अपनी तर्क से रखने की क्षमता यहाँ पर कमजोरी लाती है। बाकी रहा डायमीटर, बहुत स्ट्रांग है, अपने इन्हें उल्लू नहीं बनाया जा सकता जब तक ये खुद किसी को पैसा देने की मामला हो या कोई भी हो, वहाँ पर इनको उल्लू नहीं बनाया जा सकता। ये एक रहा
इसके बाद जो है अब हम इनके थोड़ा सा क्लोजअप ले लेते हैं और फिर देखते हैं। ये देखिए इनका गुरु पर्वत बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। अब बात आती है इस गुरु पर्वत पर अगर कभी भी कोई एक चाहे किसी भी लेवल से एक ऐसे रेखा से ये निकलता हुआ एक क्रॉस बनता हुआ दिखाई दे, ये स्किन के दूसरे हाथ में भी है, अगर दिखाई देता है तो इंडिकेट करता है कि इनको होने के बावजूद भी पति से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी जीवन में आने वाली कठिनाई इनको इनके ससुराल पक्ष से मिल सकती है, पति से नहीं मिलेगी। अगर पति के हाथ का चंद्र पर्वत स्ट्रांग हुआ तो यहाँ प्रॉब्लम आती है कि ममाज बॉय आदमी बन जाता है, क्योंकि चंद्र माँ को रिप्रेजेंट करता है, माँ की बात को ऊपर रखेगा और कहीं ना कहीं इनको और इनके ससुराल पक्ष को वह इग्नोर करेगा और यही एक टेंशन का कारण बनता है। लेकिन एट लास्ट पति जो होता है किसी के कहने पर आता है, पर लेकिन अपनी रिलेशन को बचाने का काम भी करता है। जब ये क्रॉस अगर इंडिकेट करता है व्यक्ति को कहीं ना कहीं सिर दर्द की प्रॉब्लम जरूर रहती है। क्यों बता चुका हूँ, अगर इतने मैंने बीमारियाँ बताई, ये सारी बीमारियों में से वो भी रहती हैं, तो कुछ ना कुछ बीमारी इंडिकेट करती है जब ये डिस्टर्ब्ड होता है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। रही बात जब ये प्रोग्रेस लाइन जिंदगी में आपको बहुत ऊपर उठाएगी, ऊपर उठाने का प्रोग्रेस कराएगी, जीवन में निराश होंगे तो ऊपर उठाने का काम, ये जो रेखाएं होती हैं ये एज ए मनी रिसीविंग एंटीनाज होते हैं, आपको ऊपर की लाइफ में आपको पैसा दिलाते हैं। ये चीज़ हमें समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पर देखो सारी चीज़ होने पर ये देखो एपेक्स का साइन भी बना हुआ है फिर भी डिस्टर्ब्ड है। आप ये सोचो ये अगर बनता है ये इसके गुणों को बढ़ाने के लिए, इतना डिस्टर्ब्ड होने पर भी दूसरा हाथ दिखाऊंगा उसमें ये इतना डिस्टर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एपेक्स का साइन गुरु जातक कहलाता है, बचाव का काम करता है, उसके गुणों को बढ़ाने का काम करता है। कमी है फिर भी उसको रेक्टिफाई, जो एक चतुर्भुज करता है वो एपेक्स का साइन उसके गुणों को बढ़ाता है। ये भी समझ में आ गई, ठीक है। ये देखो लूप ऑफ सीरियसनेस कि आदमी जो है थोड़ा सा सीरियस जो होता है वह बनता है, तो ये एक नेचर है। बाकी अगर कहूँ थोड़ा सा शनि पर्वत ऊपर जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब है अभी की एज में, बाकी फ्लैट है, नो डाउट आदमी को एनर्जी देता है और ये फ्लैट होना व्यक्ति के इसके ऊपर भाग्य रेखा आती है, इसका मतलब ये तक वैसे ही धीरे चलता है शनि पर्वत। अगर शनि जो होती है उसकी स्पीड धीरे होती है और उसकी गति धीरे होती है, आने वाली प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आती हैं और अगर ये डिस्टर्ब्ड हो तो देर तक रहती हैं प्रॉब्लम। ये भी इंडिकेशन समझ आ गई। इस पे ये जो रेखाएं जब मैं जब जाऊंगा ये वाली रेखाएं जो हैं ये तब डिस्कस करूंगा नीचे जब मैं पहुंचूंगा। अब रहता है इनका सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत पर ये एक रेखा, एक स्थायी सूर्य रेखा बनी हुई है, इसका मतलब इनका ये टाइम पीरियड जो है ये एक्टिवेशन टाइम ऑफ पीरियड इनका यहाँ निकल के आता है 58, ये उसके पहले भी इनको हेल्प करेगी नो डाउट। ये स्थायी है, स्थायी हृदय रेखा को टच कर लिया, स्थायी रेखा बन गई, ठीक है। ये इंडिकेशन अच्छा इंडिकेशन होता है, ठीक है। लाइफ में ये पैसों की मदद भी करती है। अब बाकी इसमें कोई ऐसा माइनस पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है, ये इनके लिए एक अच्छा है। अब मैं दूसरी फोटो लेता हूँ, ये देखिए। इसके अलावा यहाँ पर ये भी सूर्य रेखा है और ये देखिए ये नीचे उतरी हुई। अब बात आती है ये सारी एक्टिवेशन टाइम ऑफ पीरियड जो होगा कहीं ना कहीं वो मैं बताऊंगा जब मैं नीचे आऊंगा। बात करें इनकी इस पर्वत की, ये है बुध का पर्वत। बुध का पर्वत भी कहूँ तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब्ड है, सूर्य की वजह से डिस्टर्ब्ड है नो डाउट, ये इस तरफ जा रहा है, पर लेकिन ये यहाँ पर खड़ी रेखाएं व्यक्ति को बोलने की कला में भी माहिर करती हैं, कम्युनिकेशन लेवल भी स्ट्रांग करती हैं, यानी ऐसी कोई भी फील्ड जहाँ पर पब्लिक रिलेशन होता है ये ज़्यादा अच्छा करते हैं, कर सकती हैं। ये भी हमें समझ में आ गया।
अब थोड़ी सी दूसरी फोटोग्राफ ले लेते हैं। ये इनका अंदरूनी मंगल है। अंदरूनी मंगल भी जो है वह थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा सॉफ्ट है, बट लेकिन सही है। यानी ये अगर इस फॉर्म में होता है तो इनको जो इनकी अब एज है उनसे थोड़ा सा आगे कुछ प्रॉब्लम्स अंदरूनी मंगल बीमारी की ओर इंडिकेट करता है। बाकी इतना, क्योंकि हो सकता है अंगूठा इनका जो है वह साथ जुड़ा हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। बाकी बाहरी मंगल भी स्ट्रांग है इनका, नो डाउट। उसमें भी जो है साहसी बनता है, अपने प्रॉब्लम जिंदगी में आती हैं तो वो अपने तक रखता है और उसको सामना करता है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी उस परिस्थिति से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, इस साहसी बनाता है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब जो है इनका अगर शुक्र के लिए दूसरी फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। ये देखिए इनका शुक्र डिस्टर्ब्ड है। ये जब शुक्र डिस्टर्ब है तो बहुत दिक्कत देता है, बहुत दिक्कत देता है। एक तो व्यक्ति कहीं ना कहीं लाइफ में जो उड़ना चाहता है लाइफ में, मैं हमेशा कहता हूँ दो पर्वत, एक ये सबसे बड़ा पर्वत और एक ये पर्वत। अगर ये ग्रह, ये ग्रह और ये ग्रह बहुत बड़े ग्रह हैं, ये एक पक्षी के समान है। इस पक्षी की अगर दोनों पंख ही अगर डिस्टर्ब है तो क्या ऊपर उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाए। पहला उपाय इनको गुरु का, दूसरा शुक्र का, ये करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत दिक्कत देगा इनको। इस हाथ की फॉर्मेशन में ये साफ दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद इनका चंद्र स्ट्रांग है, नो डाउट। चंद्र इनका स्ट्रांग है, और व्यक्ति का चंद्र स्ट्रांग होता है तो पानी से प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं लगती है, कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। पानी का काम, दूध का काम, फूड पैकेजिंग का काम, इसके अलावा टूर एंड ट्रेवल्स का काम, या टूर एंड ट्रेवल्स से रिलेटेड जॉब होती हैं, लॉजिस्टिक, ये सारी, या बिजनेस भी कर सकती हैं, इससे रिलेटेड जॉब भी कर सकती हैं, ये सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनीज होती हैं उसमें आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। ये सारे बिजनेस कर सकते हो, एयरलाइंस की कंपनीज होती हैं उसमें आप जो है आप काम कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होती हैं उनमें कर सकते हो, ये सारे काम। इंटीरियर डेकोरेटर बन सकते हैं, फ्लावर डेकोरेटर बन सकते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट की लाइंस होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको इंडिकेट करती हुई दिखाई दे रही हैं कि आप कर सकते हो। बाहरी मंगल बहुत स्ट्रांग है तो वहाँ पर भी आप को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उससे रिलेटेड। यानी आप अगर प्रॉपर्टी में परचेज करो तो आप ज़्यादा आप उसमें प्रॉफिट ले सकते हो। अब थोड़ा सा क्लोजअप में इनकी फॉर्मेशन को लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इनकी जो है एक हृदय रेखा की बात कर लेते हैं। हृदय रेखा जो है इनकी यहाँ शनि पर्वत से शुरू होती हुई ये आखिर तक जा रही है, और एक टुकड़ा यहाँ पर जा रहा है। ये इंडिकेट करता है कि कहीं व्यक्ति जो है सुबह उठेगा, पैसा पैसा और पैसा कमाना, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है वह, और उम्र के साथ व्यक्ति का कहीं फ्रस्ट्रेशन की ओर इंडिकेट करता है कि अगर गुस्सा आएगा तो फ्रस्ट्रेट निकलेगा, निकलेगा वो बनेगा, और वह गुस्से को रिप्रेजेंट करेगा। उम्र अगर कहूँ, ये चेंज इनका 34 साल के बाद आएगा इनके नेचर में, तो ये एक इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो ये जब टुकड़ा आगे निकलता है तो यह सरकारी लाभ भी करवाता है। जैसे इन्होंने पूछा कि क्या मुझे जो है सरकारी जॉब मिलेगी, मैं आपको बताऊंगा दोनों हाथ की कैलकुलेशन से कि इन्हें जो है वो कब तक तैयारी करनी चाहिए। 37 साल तक जो है मैं इन्हें इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये तैयारी करें, अगर मिलती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो है इसमें इतना आप दिमाग मत लगाएं, बाकी जो है किसी और जॉब की तरफ जो है इंडिकेट आप अपना ध्यान लगा सकती हैं या काम कर सकती हैं। तो ये आपको सरकारी लाभ करवाएगी, ऊंचा पद तक दिलवाने में सहायक देती है। आदमी का फूडी नेचर होता है और या ससुराल पक्ष पैसे वाला होता है। ये सारी बातों में से कुछ ना कुछ जरूर निकलता हुआ दिखाई देता है। माइंड लाइन, माइंड लाइन का जो है ये देखिए, माइंड लाइन यहाँ से निकली और ये सीधी जो है नीचे जा रही है। यानी इसका जो एक ब्रांच जो है वह इसे टच कर रही है, अदरवाइज ये एक अलग फॉर्मेशन में दिखाई दे रहा है। यानी नेचर, ड्वेल नेचर यहाँ पर शो होता है कि व्यक्ति जिद्दी भी है और
और कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर का भी है। पहली कंडीशन, आदमी समझदार भी है और कहीं ना कहीं वह अपनी जिम्मेदारी को समझने वाला भी है, ठीक है। ये एक नेचर यहाँ पर शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा थोड़ा क्लोजअप ले लेते हैं। ये देखिए, ये है इनका क्लोजअप में, इनका अगर मैं ये बात करता हूँ, ये जीवन रेखा है। जीवन रेखा पर ये लाइन जो है ये इंडिकेट कर रही है थोड़ा सा नुकसान पर, लेकिन ये यहाँ आकर रुक कर यहाँ से चल रही है। अगर ये पीछे से आती तो बहुत नुकसान देती। अब यहाँ पर जो फॉर्मेशंस बन रही हैं कि यहाँ आकर रुक रही हैं, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दे रही, कष्ट और नष्ट जिसे मैं बोलता हूँ नहीं पहुँचा रही, केवल टच हो रही है, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। यानी उम्र अगर कहूँ 36 के बाद, देखिए एक फॉर्मेशन और ये फॉर्मेशन अलग, कहीं ना कहीं 36 के बाद ये कुछ अलग जॉब या कुछ और ज़रूर सोचेंगी उस तरफ। बाकी इतना टाइम ऑफ पीरियड जब किसी की लाइफ में हृदय रेखा और माइंड लाइन में गैप कम होता है, कंफ्यूजन बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। एक उपाय बताता हूँ, सुबह से शाम तक जो आप काम करती हैं उसको आप शेयर करो अपने अपने जिससे पार्टनर से, अपनी मदर से, फादर से, ब्रदर से, सिस्टर से शेयर करो, आज मैंने सुबह से शाम तक क्या किया। रीज़न क्यों? क्योंकि कुछ डिसीजन आप गलत ले सकते हो, क्योंकि ये माइंड लाइन में डिस्टेंस कम होने का मतलब केवल प्रॉब्लम फेस करना, आदमी की कैचिंग पावर, एक आदमी की सोच शक्ति जो होती है वह थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पर सलाह देता हूँ, यह फॉर्मूला आजमाओ, पूरी बातें वो जब आप किसी को बताओगे आपको सलाह मिलेगी, आप उसमें से सीखोगे एंड देन वो इम्प्लीमेंटेशन में करते चले जाओगे। ये हैबिट जरूर करनी है, ठीक है। यानी बात की टाइम ऑफ पीरियड पर दूसरे हाथ की कैलकुलेशन पे बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये एक एक हाईवे की तरीके से आपकी जो भाग्य रेखा है वो शो हो रही है। इस पे कोई निशान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यानी 36 36.5 साल तक आपको, पहली कंडीशन बताता हूँ, आपने अपना एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर बदलती हुई एक रेखा है जो इंडिकेट कर रही है आपकी लाइफ कहीं चेंज हो सकती है, ठीक है। बाकी दूसरी कैलकुलेशन ये देखो, ध्यान से देखना आप, यहाँ भी ये टुकड़ा अलग पड़ा है और ये यहाँ पर एक अलग फॉर्मेशन है या नहीं है। तो यानी आपकी उम्र अभी है 1-1.5 साल के बाद, आप बस केवल तैयारी करो। अगर मिलती है आपकी लाइफ यहाँ तक तो सिक्योर लग रही है, अदरवाइज इस सिचुएशन में 1-37 पे आपको जो है कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है ये एक ब्लर है। यानी 37 से लेके लगभग लगभग अगर कहूँ 43 साल तक आपकी थोड़ा सा स्ट्रगल वाला टाइम है, और उसके बाद जो है कुछ स्थितियाँ तो थोड़ी सी यहाँ पर, अगर मैं भाग्य रेखा को लेकर चलूँ तो कहीं दिक्कत का सामना तो ज़रूर करना पड़ेगा आपको। बिज़नेस करने की सोच रही हैं तो रिकमेंडेशन नहीं है मेरी कि आप बिज़नेस करो, करोगे तो 3 या 4 साल तक के लिए चलेगा, 4 साल चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। राहु रेखा लगभग लगभग 35 साल तक, 35.5 साल तक आपको तंग कर रही है, उसके बाद एक तंग करेगी आपको 46 साल में और एक करेगी आपको लगभग लगभग 51 साल में। तो 46 और 51 साल में आपको राहु रेखा तंग कर सकती है। बाकी रही आपको भाग्य रेखा, भाग्य रेखा आपको ये डिस्टर्बेंस नहीं देगी, ऊपर से निकल के आती है तो तंग नहीं करती हैं, ये इन्वेस्टमेंट करवाती हैं। बाकी आपके हाथ में भाग्य रेखा बहुत हल्की, कमज़ोर और इतनी शार्प नहीं है, ना ही आपकी लाइफ में अगर मैं कहूँ, अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखता हूँ, ये केवल एक आपको इंडिकेट कर रहा है कुछ ना कुछ होने के लिए। अगर ये लाइन टच कर जाएगी आपकी, इस लाइन से इस लाइन को टच कर जाएगी, तो आपको गवर्नमेंट जॉब ज़रूर मिलेगी। अभी टचिंग की पोजीशन चल रही है, पर शार्प आप देखो, क्योंकि मैं ब्लर अगर कर रहा हूँ तो मुझे पिक्चर इतनी क्लियर नहीं लग रही। आप अपना हाथ देखना, अगर ये टच हो जाएगी तो आपको चांसेस आपके गवर्नमेंट जॉब के बढ़ जाएंगे,
अभी 1 से 1.5 साल है, ये शायद आपको बढ़ती हुई दिखाई दे, तो चांसेस बन सकते हैं आपके। राहु रेखा, आपको एक इलाज राहु रेखा का, एक गुरु का जो है वो मैं बता, देखिए यहाँ पर भी क्रॉस है। पति से आपको टेंशन नहीं मिलेगी, मिलेगी ससुराल पक्ष से मिलेगी, कहीं ना कहीं वो नेचर ससुराल पक्ष का वो कहीं आपको डिस्टर्ब कर सकता है वो, और सारी बातें बता चुका हूँ। अंदरूनी मंगल दबा हुआ है, प्लीज़ इस पे आप जितने भी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज है वो जरूर करो, हो सके तो योगा करो, जॉगिंग करो, जिम ज्वाइन करो, एरोबिक्स करो, ये सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ का एक मकसद जो है वह जरूर करना पड़ेगा। माइंड लाइन अंदरूनी मंगल से निकलती हुई आ रही है, बहुत ज़्यादा आपको सोचने पे मजबूर कर देगी, बाकी बहुत पीछे तक जा रही है, बहुत समझदार इंटेलिजेंट व्यक्ति को बनाती हैं। इसके अलावा ये रेखा जब कभी भी आके आपको बाहर की ओर निकलती है तो व्यक्ति को अपने घर से दूर, यानी ये अगर जॉब करें तो अपने नेटिव विलेज बट ना, शादी के बाद जो है ससुराल पक्ष थोड़ा सा दूर भी हो सकता है, या ये इनको कहीं ना कहीं विदेश की ओर भी इंडिकेशन कर सकती है। तो ये है, बाकी ये रेखाएं राहु रेखा, ये हमारी मंगल रेखा होती है, ये इसको बचाने का काम करती है। तो इसके लिए रेप्टाइल्स जितने होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, एक्वेरियम रखें फिश का, उसे खाना और दाना दें, और इसके अलावा इनको व्हाट्सएप पे मैं बता दूंगा इनको कौन कौन से और उपाय करने पड़ेंगे। तो मेरा केवल कहने का मतलब कि इनका एक गुरु, एक मैं बता चुका हूँ इनका राहु रेखा, एक शुक्र, ये सारे इनको डिस्टर्ब दे रहे हैं, ठीक है, ये एक फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर ये दिक्कत है। इसके अलावा मुझे ऐसा कोई और माइनस पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा। पेट खराब होने की प्रॉब्लम की और भी इंडिकेशन यहाँ पर मुझे मिल रहा है, अदरवाइज बता चुका हूँ। केवल 1-1.5 साल अपनी लाइफ में थोड़ा सा पढ़ाई की ओर ध्यान दें, ठीक है, तो ये अगर वो करेंगी तो नो डाउट यहाँ पर एक जब ये क्रॉस बन जाता है इस तरफ का सूर्य पर्वत पर ये बन जाता है, तो कहीं ना कहीं ऊंचाई पर आने के बाद व्यक्ति को नीचे गिराने के लिए कोई सरकमस्टांसेस, कोई आदमी या कुछ भी, उनको लाइफ में ये दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ता है। ये एक सूर्य के लिए भी एक उपाय मैं दूंगा, जब ये फॉर्मेशन बनती है तो सूर्य को स्ट्रांग करो, अगर सूर्य स्ट्रांग होगा तो आपकी लाइफ में दिक्कतें कम करेगा, तो ये भी एक इनको करने की ओर प्रेरित करता हूँ मैं कि ये करें। अगर ये स्क्वायर बनता है तो बहुत बड़ी ये कंडीशन भी बनती है कि व्यक्ति का जो बहुत केसों में ऐसा भी हो जाता है कि जो इनके हस्बैंड होते हैं या इनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, तो वहाँ पर जब पोस्टिंग होती है, जब पोस्टिंग होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, तो ये एक सिटी से दूसरी सिटी की ओर जाती हैं तब भी, तो इसका मतलब ये नहीं होता, कुछ चैनल वाले ये बोलते हैं कि केवल यहाँ पर स्क्वायर होगा तो वो अपने काम का फैलाव करेगा, अब काम करता ही कोई नहीं है, नौकरी करता है तो नौकरी में क्या फैलाव करेगा, तो चीज़ों को समझो, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो अपनी पोस्टिंग जो होती है एक सिटी से दूसरी सिटी की ओर, तो वहाँ की ओर इंडिकेट करता है। अगर ये स्क्वायर जो होगा, ये इनकी जॉब, इनकी या इनके हस्बैंड की अगर ये गवर्नमेंट जॉब है तो वो उस तरफ भी इशारा करती है, अगर बिजनेस करेंगी तो कहीं ना कहीं उसमें फैलाव का काम जरूर करता है, ठीक है। और ये जब होता है तो ये सूर्य को कमजोर जब होता है तो उसको रेक्टिफाई करने का एक मैकेनिक का काम करता है चतुर्भुज, यानी ऐसे ये चतुर्भुज उसमें कोई अवगुण है उस माउंट पर उसे ठीक करने का, वज्र कवच का काम करता है ये स्क्वायर, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो ये चीजों को समझो, ये अगर समझोगे आप लाइफ में तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बाकी कहीं ना कहीं एक फॉर्मेशन अगर मैं कहूँ तो ये फॉर्मेशन मल्टी प्रॉपर्टी का साइन भी और भी दिखा रही है। बाकी लाइफ में यहाँ पर जब कभी स्क्वायर बनते हैं तो व्यक्ति हमेशा कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी बनाता है, और यहाँ भी इंडिकेशन मिल रही है, तो नो डाउट इन्हें कुछ उपाय जरूर करने हैं, इन्हें बता चुका हूँ
किस फील्ड में ये जा सकती हैं। बाकी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे व्हाट्सएप पे बता सकती हैं। धन्यवाद।